बड़ा रस है कथा में, बड़ा आनंद है इनकी भक्ति में। और जिन राम के चरित्र की वार्ता करने हम बैठे, जिन हनुमान के चरित्र की वार्ता करने बैठे, वो राम हमारे आराध्य, हमारे भारत के संपत्ति, हमारे विश्व की धरोहर, क्या कहना। राम जी ने जब रावण का वध कर दिया, रावण मारा गया, रात का समय, रात्रि के काल में, रात्रि के समय में प्रभु राम चांद की चांदनी को निहारते हुए एक शिला पर बैठे हैं। उसी समय पीछे से एक स्त्री आई और स्त्री की छाया राम जी ने देख ली, और स्त्री की छाया देखकर प्रभु राम खड़े हो गए और खड़े होकर के धीरे से हाथ जोड़कर कहा, कौन हो मां? हे मां, तुम कौन हो? कृपा करके अपना परिचय दीजिए। इतना सुनते ही वो छाया रूपी जो स्त्री थी फबक फबक कर रोने लगी। प्रभु श्री राम ने कहा, क्या हुआ, कौन हो तुम? तो वो जो स्त्री थी वो बोली, राम मैं कोई और नहीं, मैं अभागनी पापनी रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। तो प्रभु श्री राम ने कहा, मां रावण का तो आज वध हो गया और तुम इतनी जल्दी इतनी रात को अकेली मेरे पास क्यों आई हो? क्या बात है मां, सब ठीक तो है? सब खैरियत तो है ना मां? मां हम जानते हैं आपको आज कष्ट हुआ होगा, पर करें क्या, विधि का विधान है, युद्ध में तो मृत्यु और जन्म, जो बच जाता उसका पुनर्जन्म हो जाता, जो नहीं बचता उसकी मृत्यु होती है। मंदोदरी कहती, राम मैं कुछ नहीं देखने आई, बस तुम्हें देखने आई। राम जी ने कहा, क्यों मां? तो मंदोदरी कहती है, राम मैं देखना चाहती हूं को वो वीर कौन है, वो रघुवीर कौन है जिसने हमारे इतने सहनशाह पति को ढेर कर दिया, और उसमें ऐसी कौन सी बात है कि जो हमारा पति किसी से नहीं जीत सका, उसको भी मार डाला। तो प्रभु राम ने हाथ जोड़कर पूछा, मां आपने मुझ में ऐसा क्या देखा, जरा बताओ, जो तुम्हारे पति से अलग है। मंदोदरी कहती, राम एक मेरा पति था जो पर स्त्री को अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहता था, और एक राम तुम हो कि स्त्री की छाया देख करके भी खड़े होकर मां से संबोधित करते। ये राम का आदर्श, ये प्रभु श्री राम का स्थापित आदर्श है, ये हमारे आपके भारत के लोगों का सौभाग्य है। मेरे लोगों, आज तक तुमने सिर्फ राम की रोती हुई वार्ताओं को सुनकर उन्हीं को चित्त में रखा। राम वनवासी है तो राम वीर भी है, और राम रघुवीर भी है, और राम के दूत महावीर भी है। और हम तुमसे इस बात से ये कहना चाहते हैं कि तुम राम के वंशज हो, तुम भी वीर हो, अब सनातन की रक्षा के लिए तुम भी खड़े हो जाओ और हिंदुओं एक हो जाओ। तुम्हारी भी बारी है मेरे पागलो, ना तो हम तुम्हें चमत्कार दिखाने आए हैं, ना हम तुम्हें कथा सुनाने आए हैं। सौ की बात यह, हम तो अनपढ़ गवार हैं, सच बताएं हम तो कुछ नहीं जानते, अनपढ़ गवार हैं, बहुत मूर्ख हैं, हमारी कोई पढ़ाई लिखाई है नहीं, जो भी है गुरु कृपा, हमें तो हनुमान जी ने चुना, ये हमारा सौभाग्य है। बस आप लोग हमारा परिवार हो और हम चाहते तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे और तुम भी हनुमान जी के हो जाओ। हम चाहते तुम भी मुस्कुराओ, हम चाहते तुम भी बागेश्वर बालाजी के हो जाओ, हम चाहते तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियां भर जाएं, हम चाहते तुम्हारी जिंदगी में भी बहार आ जाए, हम चाहते तुम्हारी जिंदगी में भी पूनम का चांद बना रहे, पूर्णता का। रामचंद्र है, राम जी का नाम भी रामचंद्र है, और हमारे हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, वो भी तो कथा में प्राप्त होते हैं। इसलिए सुबह शाम आठों याम यही काम किए जा, सुबह शाम आठों याम यही काम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम 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 राम, 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 राम।
कौन कौन हनुमान जी को खुश करना चाहता है, आज ही घर जाकर कल झंडा लगा लेना राम नाम का, और घर के बाहर लिख देना जय बागेश्वर धाम, जय सियाराम, सत्य सनातन धर्म की, बस ये तीन चीजें लिख देना घर के बाहर, और जब मौका मिले तब सुबह शाम आठोया, सुबह शाम आठोया यही काम किए जा। कौन सा? जो अभी कर रहा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, राम राम किए जा, राम राम किए जा। आज से कौन कौन हनुमान जी का हो गया, पक्का कि कच्चा? अरे राम बुलावा भेजिया, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में जो वैकुंठ न हो, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। आप लोग चार घंटे से बैठे, क्या तुम्हें घर की याद आ रही? भूख, जो कर्जा चुकाना है वो याद आ रहा क्या? जो मिलने जाना है वो याद आ रहा क्या? देखो कितनी अद्भुत बात है, प्रभु की कथा में तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा, हम यही तुमसे कहना चाहते हैं, तुम थोड़ा मुस्कुराते हो फोटो अच्छी आ जाती है, जिंदगी भर मुस्कुराते रहो पूरी जिंदगी भी तो अच्छी आ जाएगी यारो, है? इसीलिए आप कथा में थोड़ा बैठे आपको भूलने की आदत पड़ने लगी, हम तुमसे यही कहते हैं तुम्हारी जिंदगी में दुख है तुम सदा के लिए बागेश्वर धाम के हो जाओ, दुख का तो पता ही नहीं चलेगा कहां भाग गए हैं, हैं? राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते सत्य संगत मुद मंगल मूला, सत्य संगत मुद मंगल मूला सोई फल सीधी सब साधन सूला। और दूसरी जगह रामायण में गोस्वामी जी कहते बिनु सत्य संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और हनुमान चालीसा में भी हनुमान जी के लिए लिखा प्रभु चरित्र सुन भे करसिया, प्रभु चरित्र सुन भे करसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जैसे हनुमान जी कथा के प्रेमी है तुम भी हो जाओ, तो जैसे हनुमान जी का चारों युगों में नाम है तुम्हारा कलयुग में ही हो जाए, है? कई लोग तो ऐसे आते हैं जैसे आते वैसे ही चले जाते हैं, कई लोग ऐसे आते हैं जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, फिर आए किस लिए? जगह बुक करने के लिए, है? अरे आए ही हो तो कुछ काम कर ले ऐसा तेरा नाम हो जाएगा, कुछ काम कर ले ऐसा तेरा नाम हो जाएगा, जो राम गुण गाएगा वो नाम भुवन पाएगा, राम गुण गाएगा नाम हो जाएगा, जो राम गुण गाएगा सो नाम हो जाएगा, जो राम गुण गाएगा नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा। इसलिए मेरे पागलो आज की कथा का सार यही है कि चाहे जैसे हो जिंदगी में कथा को सुनना बहुत ही जरूरी है, क्या है? अरे जोर से बोलो, है कि नहीं? लेकिन एक बात बोले, लोग गुरुजी की नहीं मानते पर गधा की मान लेते हैं, हाँ
लोग गुरु जी की नहीं मानते पर गधा की मान लेते हैं। हमारी प्रार्थना है, अच्छा एक बात हो, कथा में आने से माथा टेकना पड़ता, मस्तक मस्तक रखना पड़ता, क्यों, क्या जरूरी है, हमें हमें नहीं पढ़ना, हम बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े पद पर हैं, हम क्यों माथा रखें, क्या हो जाएगा माथा रखने से, ठटरी के बारे। अच्छा तुम ठटरी बारे समझते हो, हमको लगता है तुम पुराने पागल हो, पहचान के हो, हमारी रिश्तेदारी में भी हो है? जो ठटरी के बारे समझते हैं, हम समझ जाते हैं कि ये पुराने पागल हैं, क्योंकि ठटरी के बड़े बुंदेलखंडी शब्द है, वो हम ही भर को समझ में आता है। तो हम आपको क्या बता रहे थे कि लोग गुरु की नहीं मानते पर गधा की मान लेते, बताना ये चाह रहे हैं आप जैसे भी हो अच्छे हो, हमारी प्रार्थना है दो वक्त जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से, सत्संगति के लिए समय निकालना। और अगर तुम निर्बल हो तो बलवान हो जाओगे, बस तुम हनुमान के हो जाओ। दूसरा सूत्र आज की कथा का, निर्बल को भगवान सबल बनाते हैं जो हनुमान का गुण गाते हैं। तीसरा सूत्र, राम के चरित्र को चित्त में उतारोगे तो चित्त का भूत भाग जाएगा, राम जी का दूत अंदर का जाग जाएगा। आज की कथा का चौथा सूत्र, चौथा सूत्र आज की कथा का ये था, अपने अपने घर के बाहर झंडा लगाओ, क्योंकि जिस द्वार पर राम नाम लिखा होता, धर्म ध्वज होता, वहीं राम जी के दूत टिक जाते हैं। पांचवा सूत्र, हम सब हिंदू एक हैं, इस भाव के साथ जीवन को जियो।